इस हरा दानव का नाम श्रेक है, जो सुबह उठते ही गंदी नाली के कीचड़ से नहाता है और कुल्ला करता है। पता नहीं किस कीड़े से ब्रश भी करता है। ये जंगल में अकेले ही रहता है, लेकिन तभी राज्य में घोषणा होती है भेष बदलने वालों को राजा द्वारा अच्छे दामों में खरीदा जा रहा है। और ये सब श्रेक को पकड़कर उसे राजा को बेचने की योजना बनाते हैं। फिर ये सभी लोग रात में मशाल लेकर उसके घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन श्रेक इन्हें आते देख लेता है और पीछे से जाकर सभी लोगों को डराकर भगा देता है। पर भले ही वो एक दानव था, लेकिन आज तक किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इन लोगों के जाने के बाद श्रेक को वही पर्चा मिलता है जिसमें वही बात लिखी हुई थी कि चमत्कारी शक्तियां रखने वाले इंसानों और जानवरों को खरीदा जा रहा है और सिपाहियों द्वारा कैद किया जा रहा है। तभी यहाँ इस गधे की मालकिन सिपाहियों को बताती है कि ये गधा बोल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। कर देना यार, माता पिता के लिए इतना सा तो कर ही सकते। लेकिन ये गधा कैदी नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो इनके सामने कुछ नहीं बोलता। तभी इस लड़के की एक जादुई चीज गधे के सर पर जा टकराती है, जिससे गधा हवा में उड़ने लगता है। गधा सिपाहियों को चिढ़ाते हुए कहता है, मैं बोल सकता हूँ गधों और उड़ भी सकता हूँ। लेकिन तभी जादू का असर खत्म हो जाता है और गधा नीचे गिर जाता है।